अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो पिक्सल का मॉडम है टेंडा का, जिसकी मैंने लास्ट वीडियो डाली थी डबल एंटीने वाला D301, उस पर आपने बैंडविड्थ कंट्रोल किस तरह लगाना है और उस मॉडम का IP किस तरह चेंज करना है। दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे के। आए शुरू करते हैं। अब देखें, इसी तरह मॉडम को ओपन करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टैंडर्ड है इनका 192.168.10.1 मॉडम्स का IP का स्टैंडर्ड है ये। सो जैसे एक मिनट होल्ड कर, मुझे लगता है कि मॉडम कनेक्टेड नहीं है मेरा, सॉरी। मैंने मॉडम का वो पहले मॉडम नंबर चेंज किया हुआ है, तो इसका 192.168.22.1 ये मैंने खुद IP रखा हुआ है, तो इसलिए इसका ये IP आया है। यह देखें, इसी तरह बिल्कुल एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड मॉडम के नीचे लिखा होगा। ये इजी की सेटिंग है, आपने ये पेज खोल लेना है अपने पास टेंडर वाले, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में इस चीज़ को डिटेल से डिफाइन किया। उसके बाद एडवांस सेटअप में जाना है आपने। सो एडवांस सेटअप में जाने के बाद एडवांस सेटअप पर क्लिक करना है दोबारा। उसके बाद पहला काम हम करेंगे कि हमने अपने मॉडम का IP चेंज करना है। IP चेंज करने के लिए हम पहले ये देखें, एडवांस सेटअप पे जब क्लिक करेंगे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो हमने लैन पे क्लिक करना है। लैन पे क्लिक करेंगे, ये मैंने पहले से ही इसका IP चेंज किया हुआ है, सो इस वजह से मैं इसका IP चेंज करूँगा आपके सामने दोबारा, ताकि आपको भी पता चल जाए। अब मैं इधर IP लिखता हूँ, ये जैसे पहले बताया था 192.168, ये एक स्टैंडर्ड है, लेकिन अब मैं इसको ये IP देता हूँ 192.168.10.1। अब ये मैंने इसमें IP दिया है, तो ये देखें ये जनरली खुद ब खुद ही ये भी चेंज हो गए। वो इस वजह से क्योंकि ये सारे IP मॉडम के आपके जितने हैं ये सारे चेंज कर देगा। इसके बाद मैं अप्लाई एंड सेव करूँगा। अप्लाई एंड सेव करने के बाद ये देखें अनएबल टू कनेक्ट कह दिया, ये इसने इस वजह से कहा है। ये देखें यहाँ पर ऊपर जो एड्रेस बार है, जो ये एड्रेस बार है, ये देखिए यहाँ पे IP चेंज हो चुका है। ये देखिए पहले था 192.168.22.1 था, अब देखिए 10.1 आ गया। वो खुद ब खुद ही इसलिए आ गया क्योंकि इसका IP चेंज हुआ है। IP तो आपको पता है, देखना आता होगा। ये देखिए IP मेरा, ये ईथरनेट पे मॉडम कनेक्टेड है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, अभी भी 22 आ रहा है। ये लाइन पे कनेक्टेड है इसलिए। अब मैं लाइन को अपने मॉडम में से निकाल के, ये देखिए अभी ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो गया, इसका मतलब मेरा ईथरनेट केबल डिसकनेक्ट की है और ये दोबारा कनेक्ट की है मैंने अपने मॉडम में। ये इनेबल हो गया, साथ ही आइडेंटिफाई करना शुरू हुआ। आइडेंटिफाइंग करते वक्त आइडेंटिफाई कर लेगा ये। अब ये देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे डिटेल में जाता हूँ। देखिए मेरे पास क्या IP आ गया, 10 वाला आ गया, पहले क्या था 22 था, अब मेरे पास 10 आ गया। IP मेरा चेंज हो चुका है। सो अब मैं इसको जब 10 के साथ असेस करूँगा ये आ जाएगा मेरे पास। अब ये मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, इसी तरह सेम लॉगिन होंगे हम। इसमें लॉगिन होने के बाद अब हमारे पास IP इस मॉडम का चेंज हो चुका है। अब IP जब चेंज हो गया हमारे पास, तो जो पिछला IP था उससे हम मॉडम को असेस नहीं कर सकेंगे, हम सिर्फ जो हमने IP न्यू जनरेट करवाया है उसी से असेस कर सकेंगे। अब इस बॉक्स में इस एक और ऑप्शन है, आप ये देखें स्टैटिक IP लीज लिस्ट मैक्सिमम 32 एंट्रीज कैन बी कॉन्फ़िगर्ड। इसका ये मतलब है कि आप ये मैक एड्रेस है, IP एड्रेस है, ठीक है, इसमें ऐड एंट्रीज में जाएंगे। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आपकी अगर कोई नेटवर्किंग चल रही है 10 से 12 नंबरों की, तो आपने उसमें जो मैक एड्रेस आगे जो मॉडम लगे हुए हैं उनको स्टैटिक IP प्रोवाइड करना है आपने, तो ये ऑप्शन उसके लिए है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मेरा आगे कोई टेंडा का मॉडम लगा है या TP-Link का लगा हुआ है, तो मैं उसे कहता हूँ कि उसका एड मैक एड्रेस मेरे पास लिखा हुआ है और उसके बैक पे लिखा होता है, वो आप इस जगह पे लिखेंगे इस मैक एड्रेस में इस बॉक्स में। तो यहाँ पे मैं उसे देता हूँ जिस तरह स्टैंडर्ड है, ये 192.168 स्टैंडर्ड था, और 10 उसके बाद 50 IP दे देता हूँ मैं 192.168.10.1 से आपके IP स्टार्ट होते हैं, ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.1।
10.2 से आपके आईपी स्टार्ट होते हैं और ये 10.99 तक जाते हैं, मीन कि आप इस लाइन में 99 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं एक मॉडम के साथ। सो जब आप ये चीज़ कर लेंगे, इधर आईपी लिख देंगे, इसे अप्लाई सेव करेंगे, देखिए अभी एड्रेस इस इनवैलिड मैक एड्रेस बता रहा है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने इसमें मैक एड्रेस नहीं डाला, इसलिए जब आप मैक एड्रेस भी देंगे और आईपी एड्रेस भी देंगे, अप्लाई सेव करेंगे तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, एंट्री जब आ जाएगी तो इसे अप्लाई सेव कर दीजिएगा, अप्लाई सेव करेंगे वो आपकी जो डिवाइस मैक एड्रेस लिखा हुआ है उस मैक एड्रेस वाली डिवाइस पे वो आईपी जाके जनरेट हो जाएगा और वहाँ पे उस आईपी से ब्राउजिंग करेगा। और आज मैं आपको बड़ी एक और अहम चीज़ बताता हूँ पिक्सेल के मॉडम की, जो लोग काफ़ी एक भाई हैं उन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन किया था इस चीज़ के बारे में। सो वो पुराने जो मॉडम है पीटीसीएल के उनमें ये चीज़ नहीं है, जो न्यू आ रहे हैं उनमें बैंडविड्थ कंट्रोल पाया जाता है। अब ये देखिए लाइन से नीचे ही ये बैंडविड्थ कंट्रोल लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करें, ये मैंने पहले एक डेमो इसमें डाला हुआ है, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए जब आप बैंडविड्थ कंट्रोल पर क्लिक करेंगे, लाइन से हम आते हैं दोबारा, ये देख मैं करके दिखाता हूँ, बैंडविड्थ कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, इसके ऊपर ये उन्होंने लिखा हुआ कि कैसे करना है, आप अगर खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ पहले टिक पे बैंडविड्थ कंट्रोल के लिए, अब ये देखें, ये देखें कि उन्होंने वो ये ऑप्शन इस तरह आ जाएगा आपके पास जब बैंडविड्थ कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, पहले क्या था, पहले ये होगा आपके पास, जब ये आ जाएगा तो अब देखें पहले वो मैं डिलीट नहीं हुआ था प्रॉपर इसलिए आ रहा था, अब इस तरह आएगा, बिल्कुल ये चीज़ आएगी आपके पास। आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है आपने, जैसे कि कोई आगे आपका नेबर है, उमर है नाम उसका या जो भी है समथिंग, जो कुछ भी आपने आगे टेस्ट लिखना है, किसी को भी वन देना है, टू, जो भी लिखना है वो आपने नाम जो रखना है वो यहाँ पे लिखेंगे। मैं तो यहाँ पे आपको दूंगा TEST टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट वन। सो उसके बाद अब मेरे मॉडम का आईपी क्या था जो मैंने चेंज किया था, 192.168.10। अब 10 का जो आईपी है, 10 के बाद हमने इसे आईपी देना है जो हमारे आगे मॉडम पे जाना है, ठीक है। ये हम फॉर एग्जांपल इसे दे देते हैं 20 के बाद इस बॉक्स में आएंगे और इधर भी 20 लिख देंगे। अब ये आईपी आ गया, अब वो पूछ रहे जी कि आपने मैक्स अपस्ट्रीम स्पीड कितनी देनी है और मैक्स डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी देनी है। अपस्ट्रीम जो स्पीड है, सॉरी ये क्या हो गया, जो अपस्ट्रीम स्पीड है आपकी 1 MB पे वो आती है 256 और डाउनस्ट्रीम आती है 1 MB पे 1026, ठीक है। अगर आपने उसे 2 MB देना है तो इस पे आ जाएगी 520 और डाउनस्ट्रीम आ जाएगी 2058। अगर आपने उसे 4 MB का कनेक्शन देना है तो आप फिर इधर लिखेंगे अपस्ट्रीम में 1028 और डाउनस्ट्रीम में 4058। ये 4 MB की डाउनस्ट्रीम की पोर्ट है और ये 1 MB की, लेकिन मैं उसे 1 MB आगे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं 256 लिखूँगा और यहाँ पे 1028 कर दूँगा इसे। ये बेसिकली 10 लाजमी है, 28 आप 268 भी कर सकते हैं, इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन 10 मस्ट स्टैंडर्ड है ये। अब इसमें करने के बाद ये स्टेटस यहाँ पे इन्हें ऑलरेडी इनेबल है, इसको मैं ऐड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन फील्ड कैन नॉट लेफ्ट एम्प्टी मस्ट अनफॉर्मेट कैरेक्टर और अंडरस्कोर, हाँ इसमें सॉरी न्यूमेरिक आप नहीं लिख सकते, सिर्फ अल्फाबेट लिखेंगे। जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक हाँ स्पेस भी दिया हुआ था, नॉन कोई न्यूमेरिक वर्ड नहीं आएगा, कोई स्पेशल वर्ड नहीं आएगा, कोई स्पेस नहीं आएगा इसमें। अब मैं इसको ऐड करूंगा, ये देखिए इजीली यहाँ पे ऐड हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई और ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ DEMO डेमो, सो मैं उसको आईपी की रेंज देता हूँ 192.168.10.21 मैं देता हूँ इसको आईपी की रेंज। सो यहाँ पे भी 21 लिखेंगे, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ मैंने इसको 2 MB की स्पीड देनी है, 2 MB की या 1.5 MB की देनी है, तो मैं ऐसे कहता हूँ अपस्ट्रीम ये 2 MB की ले, ठीक है 512 की, और जो डाउनस्ट्रीम है वो मैं इसको देता हूँ 1560। ये हो गया हमारा 1.5 MB, 1.5 MB हो गया, मैंने इसको ऐड कर दिया, ये देखिए ये दूसरी भी आ गई। अब इस आई
जब ये आईपी हमारे पास ये वाले आ जाएंगे ना, ये लॉक आईपी हो गए, इन पे इस पे मैंने दिया 1 MB और इस पे मैंने दिया 1.5 MB। अब ये जब आईपी हम आगे सिस्टम में देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आगे राउटर लगाया हुआ, ठीक है, तो मैंने राउटर लगाया हुआ तो मैं उससे कहता हूँ कि मैंने उस राउटर पर आईपी देना है। अब ये देखें राउटर में लगा हो तो आप राउटर में जाके स्टैटिक आईपी के ऑप्शन में ये आईपी डाल दें तो उसको इतनी ही स्पीड जाएगी। अगर किसी के सिस्टम पे आपने डायरेक्ट कनेक्ट करना है कि उसने अब सिस्टम यूज़ करना है, तो सिस्टम यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, ये चीज़ खोलेंगे, खोलने के बाद उसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस पर क्लिक करेंगे ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ये जब आ गई तो आपने यहाँ पे द फॉलोइंग आईपी एड्रेस के आपने जो हमने जो मैंने यहाँ पे आईपी जनरेट किया था, अभी आपको बताता हूँ ये वाला आईपी, ये देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने 1 किया था, मैं इस बंदे को 1 MB की स्पीड देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसका आईपी डालूंगा। एक मिनट होल्ड करें, मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं यहाँ पे ये देखें, अब ये मेरे पास ओपन हो गया, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। मैंने इस बंदे को कितनी स्पीड देनी है, 1 MB की, 1 MB की स्पीड देनी है, तो मैं यहाँ पे आईपी लिखूंगा 192.168.10 और इसके एंड पे क्या मैंने दिया था 20, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे आपको याद होना चाहिए 192.168.10.1, ये आपका डिफॉल्ट गेटवे है। सो मैं इसको ओके कर दूंगा। ये मैंने एक दूसरा मॉडल लगा हुआ है उस पर भी दिया हुआ है, इस वजह से ये आ रहा है, ये वार्निंग दे रहा है। ये देखे ना, मल्टीपल डिफॉल्ट गेटवे आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड रिड्यूसिंग द सिग्नल नेटवर्क, इस वजह से मैं इसको ओके कर दूंगा। सो यहाँ से भी ओके। अब ये देखें, मैं आपको इसके बाद आपने डिटेल पे क्लिक करना है। अब ये देखें, इस पर 20 का आईपी आ गया। अब चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ, इस सिस्टम पे मुझे 1 MB से स्पीड ज़्यादा नहीं आएगी। अगर मैं इस पर ये 1.5 MB वाला लगाता तो मुझे 1.5 MB से ज़्यादा स्पीड नहीं आएगी, मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैंने यहाँ पर आईपी कर दिया है लॉक, और आईपी लॉक होने की वजह से ये मुझे 1.5 MB से ज़्यादा स्पीड नहीं देगा, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 1 MB ही, चाहे मैंने जितना मर्जी नेटवर्क आगे जो मर्जी चीज़ चलाई हो तो मुझे 1 MB ही स्पीड आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका 4 MB का कनेक्शन है, आपने किसी आगे दिया हुआ है, आप उस पर ये चीज़ अप्लाई कर देते हैं, उसके सिस्टम में स्टैटिक आईपी लगा देते हैं, लगाने के बाद आप उसे कहते हैं ठीक है यार आपको 1 MB स्पीड आएगी, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं आएगी। तो आप जब उसे वो यूज़ करेगा, आप यहाँ पे डाउनलोडिंग लगाते हैं अपनी, आपकी स्पीड वो भी डाउनलोडिंग लगाता है। अगर आपने उस पर ये चीज़ प्रोसीजर नहीं किया होता, स्टैटिक आईपी उस पर नहीं दिया होता, उसकी लिंक अच्छा डाउनलोडिंग का, तो सारी स्पीड 4 MB की उसकी तरफ चली जाएगी, आपकी तरफ जस्ट 0.5 और या 0.95 की स्पीड आएगी, जो बिल्कुल ही बेकार स्पीड है। इस चीज़ से बचने के लिए आप उसे कहेंगे कि आपके पास 1 MB की स्पीड आएगी, आप ये प्रोसीजर करेंगे, उसके पास 1 MB से या 1.5 MB से या 2 MB या 4 MB से स्पीड ज़्यादा नहीं जाएगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो टुडे। आज इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी इस वीडियो की। इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।